भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन का कल अंतिम दिन है, जिसका 30 जनवरी को मतदान होगा। उन्होंने कहा, भाजपा का एक सिपाही हूं और मेरी आशा थी कि इस बार मुझे MLC प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने वर्तमान MLC देवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है, जिसका हम स्वागत करते हैं और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना प्रत्याशिता वापस लेता हूं और भाजपा के क्षेत्रीय टीम व जनपद के पदाधिकारी के द्वारा जो भी कार्य हमको दिया जाएगा उसका पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। यदि पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए भी कहा गया तो मैं अपने शिक्षक व स्नातक बंधुओं से उनके लिए वोट मांगूंगा और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह को वोट देने के लिए कहूंगा और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगा। उन्होंने कहा कि टिकट देना पार्टी का कार्य है, मैं उनके निर्णय पर कोई संदेह नहीं करता हूं। मैं 2010 और 2016 में चुनाव लड़ा था, दोनों बार ही दूसरे स्थान पर आया था और 3800 वोट से ही हारा था। हो सकता है वर्तमान MLC बहुत अच्छे होंगे, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया होगा, क्योंकि टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। उन्होंने कहा, पार्टी पदाधिकारी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मंगलवार की रात में भाजपा के संगठन महामंत्री का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, भविष्य में आपका समायोजन किसी अच्छे पद पर किया जाएगा, जिनका निर्देश मानते हुए अपने प्रत्याशिता को वापस लेता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, आप सब अवगत हैं कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव प्रस्तावित है। कल नामांकन की अंतिम तिथि है और 30 तारीख को मतदान होना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और मैं इस प्रत्याशा में था कि पार्टी का मैं प्रत्याशी बनाया जाऊंगा, परंतु पार्टी ने वर्तमान MLC श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पक्ष में पुनः अपना समर्थन जारी किया है। उन्हें पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पार्टी के एक समर्पित सिपाही के तौर पर पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हुए और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपनी प्रत्याशिता वापस ले रहा हूं और अपने स्तर से साथ ही जो क्षेत्रीय टीम से जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे जनपदीय पदाधिकारी हैं और जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका जो भी निर्देश हमको प्राप्त होगा इस चुनाव की तैयारी के निमित्त, इस चुनाव के में सहयोग के निमित्त, मैं उस प्रत्येक सहयोग के साथ अपने पार्टी के प्रत्याशी के जीत को सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहूँगा। अब देखिए, ये तो जो पार्टी के बड़े नेता हैं ये उनके मूल्यांकन का विषय है, मैं इसका मूल्यांकन क्या करूँगा। मेरा आधार ये था कि मैं चूंकि दो बार लड़ा था, 2010 और 2017 में, और दोनों ही बार मैं सेकंड पोलर था, दोनों ही बार मैं बहुत थोड़े वोटों से हारा था। पिछली बार तो मैं बिल्कुल निर्दल प्रत्याशी था, केवल 3800 मत से हमारी पराजय हुई थी। तो एक मेरा आधार बनता था, उस आधार पर हम पार्टी से अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे थे, लेकिन पार्टी की दृष्टि में वर्तमान MLC बेहतर होंगे, इस नाते उनको समर्थन प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक है, किसी एक को ही मिलना था। पार्टी की दृष्टि में जो पार्टी के हमारे नेता हैं उनकी निगाह में उनकी प्रत्याशिता ज़्यादा गंभीर समझी गई होगी, इस नाते उनको दिया गया। अभी तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि इस चुनाव में पहले उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे स्तर पर जो कुछ भी होगा हम वो अपनी तरफ से करने का काम करेंगे। कल रात में महामंत्री संगठन जी का फोन हमारे पास आया था और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे त्रिपाठी जी, और आपका समायोजन भविष्य में बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्देश मानते हुए अपनी प्रत्याशिता को वापस ले रहे हैं। एक और बड़ी बात जो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बड़ा किसी भी पार्टी के राजनेता का यह धर्म बनता है कि वो इस बात की चिंता करे कि जो एक अभियान लेकर के, जो एक मिशन लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, तो उनके प्रत्येक उस प्रयास में उनके हर एक निर्णय के साथ खड़ा होना पार्टी के हर एक समर्पित कार्यकर्ता का यह नैतिक दायित्व बनता है और मैं अपने उन्हीं दायित्वों के निर्वहन के क्रम में अपना समर्थन भी दे रहा हूं और अपनी प्रत्याशिता वापस। जैसा कि मंत्री जी का आपने कहा आपके पास फोन आया था, स्वस्थ किया है, तो क्या जिम्मेदारी कुछ ऐसा निर्धारित करने के लिए अभी उन्होंने कुछ कहा है कि
कुछ जिम्मेदारी नहीं, अभी अभी ऐसा कोई देखिए ये कोई शर्त जैसा कुछ नहीं है, वो हमारे अभिभावक हैं, मैं पहले भी उनसे मिला था, मैंने पहले भी उनसे कहा था कि जो भी आपका निर्णय होगा सिरोधार्य होगा मुझे, और कल भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, अब मैं जाऊँगा चुनाव के बाद जाऊँगा, मैं मिलूँगा उनसे, अब हमारी योग्यता क्षमता के अनुसार जो भी उचित उनको प्रतीत होगा वो जो मुझे देंगे वो स्वीकार्य होगा मुझे। क्या समर्थन चुनाव प्रचार में उनका सहयोग करेंगे आप? देखिए अगर 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 प्रत्याशी महोदय और संगठन हमसे अपेक्षा करेगा, हमें कोई निर्देश देगा तो मैं जाऊंगा, अन्यथा जो मेरा काम है जो मतदाता हमने बनाए हैं हम अपने उन सारे मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें।